उत्तर प्रदेश के हरदोई में राज्य विद्युत परिषद चतुर्थश्रेणी संविदा इकाई कर्मचारी संघ ने एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन एसपी को दिया। कर्मियों ने विद्युत विभाग में काम कर रहे संविदा कर्मियों के शोषण का आरोप लगाया। वहीं संविदा कर्मियों का कहना है कि अगर मांगों पर गौर न हुआ तो वह लोग 20 सितंबर को अमरन अनशन करेंगे। साथ ही प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि 23 तारीख को लोग आत्मदाह भी कर सकते हैं। इस आशय का एक ज्ञापन भी पुलिस को दे दिया गया है, जिसमें कर्मियों को विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न किए जाने का आरोप भी लगाया गया है। सुनिए क्या कहना है विद्युत कर्मियों का। हमारे संविदा कर्मचारी विद्युत वितरण खंड में कार्यरत हैं, इनको अधीक्षक अभियंता 30% कमीशन लेके आधा वेतन देता है। ईपीएफ और पेंशन का पैसा अभी तक उसने नहीं जमा किया। जब पैसा मांगते हैं तो मांगने दौड़ते हैं, नौकरी से निकाल देने की धमकी दिया करते हैं। और 45 कर्मचारियों को एक साल का पूरा वेतन बकाया है और बाकी 700 कर्मचारियों का अच्छा 6 महीने का वेतन बकाया है। और किससे मिलने आए थे, क्या सोचा? अभी तो कप्तान साहब को हम मिलने आए थे। SPN 9 न्यूज के लिए हरदोई से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट।